जाएंगे तो इन्हें कौन ढूंढेगा, जो कि मैं ही हूँ एक जो कि इन्हें रास्ता बता सकता है भाई। कहाँ और ये मेरे से कहाँ तक दूर भागेंगे, ये हम लोग आगे पटे। जो भी दोस्तों यहाँ पर धमका देंगे पार्टी कर रखी है नीचे पूरे में। भाई आपने कभी जोकर देखा है, सर्कस गए हो? ये देखिए सामने जोकर, ये सबसे बड़ा जोकर मेरे साथ घूम रहा है, ये मेरे वीडियो ही चलाने दे रहा है यार। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, ऐसा करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। सभी को सबसे पहले जय श्री राम, क्योंकि राम राज सरकार के दरबार में पहुँचने वाले हैं हम। ये देखिए भाई, ये है ओरछा का गेट, श्री राम राजा द्वार। बस यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर अंदर है मंदिर। भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं मंदिर में श्री राम राजा सरकार की। अगर अला हुआ अंदर है वीडियोग्राफी तो ज़रूर दर्शन कराएंगे, नहीं तो यार थैंक सॉरी भाई। तो भाई ओरछा पहुँच चुके हैं, यहाँ हमको सामने गेट दिख रहा है ना भाई, ओरछा का ही गेट है यार, राम राजा सरकार के दर्शन होंगे आज। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बेतवा नदी पे, ओरछा पहुँच चुके हैं। लगभग राम राजा सरकार मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम था बेतवती या बेतवती गंगा। वही चलते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद फिर आपको दर्शन कराते हैं श्री राम राजा सरकार के। तो भाई बेतवती नदी में, बेतवा नदी में स्नान करने के बाद अब निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं हम लोग और निकल रहे हैं राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, चलते हैं भाई राम राजा सरकार के दर्शन करते हैं और मिलते हैं आपसे मंदिर पहुँच के। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं राम राजा सरकार मंदिर पे। ये अपनी साइकिल खड़ी कर दी है सामने दुकान के भाई के, और यहीं से प्रसाद भी ले लिया है। चलते हैं भाई अंदर, चलते हैं, आपको अगर अला हुआ अंदर दर्शन कराना तो करा सकते हैं, नहीं तो फिर सॉरी। ये है भाई मंदिर का गेट, यहाँ से एंटर करते हैं और आपको सामने दिखाते हैं मंदिर। चलते हैं भाई अंदर, एंटर करते हैं। पहले मैं आया था ना तब ये ग्रिल नहीं लगी थी, ना ही ये टेंट था, ना यहाँ पे ये सब था, अब तो भाई सब कुछ है यहाँ पे। चलते हैं भाई अंदर। तो भाई दर्शन तो हो चुके हैं, आरती हो गई है, आरती मिल गई आज भगवान की, और आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाया उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि अंदर दर्शन अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं है, सॉरी दर्शन तो अलाउ, वीडियो अलाउ नहीं है अंदर, सॉरी यार। कोशिश तो बहुत की थी लेकिन बना नहीं पाए। भाई दर्शन तो हो चुके हैं और मंदिर के जस्ट सामने पूरी सब्जी की शॉप है। ये देखिए सामने वो मंदिर दिख रहा होगा आपको, सनलाइट बहुत है यार इसलिए नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ये अपना खाना आ चुका है, यहाँ पर जो पूड़ी सब्जी की है ना, यहाँ पर 50 रुपये में पूड़ी सब्जी और रायता मिलता है, 6 पूड़ी मिलती हैं भाई, 6 पूड़ी में आराम से काम हो जाता है। खाते हैं भाई फिर निकलते हैं आगे, छत्रभुज अंदर के दर्शन करेंगे। तो भाई अभी हुए थे राम राजा सरकार मंदिर में दर्शन, तो अब मैं इस मंदिर की हिस्ट्री बताता हूँ आपको। अयोध्या में जो पुरानी मूर्ति थी ना, उसी को जो रानी यहाँ की थी गणेश कुंवर, उनका नाम था गणेश कुंवर, वो अयोध्या से लेके आई थी। क्या हुआ था कि रानी थी राम भक्त और उनके पति राजा वो थे कृष्ण भक्त। तो एक दिन राजा ने मथुरा जाने का प्लान बनाया, जब उन्होंने रानी से कहा तो रानी ने बोला कि मैं तो अयोध्या जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि राम जी को ही क्यों नहीं ले आते हो, तो रानी को ये बात सही लगी। और रानी उस टाइम क्या था, आक्रमण भी चल रहे थे भारत पे, आक्रांताओं का समय था, तब रानी अयोध्या गई तो प्रार्थना की, ईश्वर से तपस्या की। तो भगवान राम ने प्रसन्न होकर कहा कि लेकिन मेरी 2 शर्त रहेंगी, मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ लेकिन 2 शर्त रहेंगी कि मेरे साथ जो यहाँ के साधु संत हैं वो भी जाएंगे, और मतलब जो मैं जहाँ भी स्थापित हो जाऊँगा एक बार वहाँ से हटूँगा नहीं। तो ठीक है बोलो, उन्होंने बोला ठीक है। जब वो आ रही थी तो राजा ने इस मंदिर को बनाने का निर्णय लिया और इस मंदिर को बनवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक वो आई तब तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। ये था तब राजा का महल,
तो फिर यहीं पर उन्हें मतलब रख दिया एक बार, रानी के दिमाग से निकल गया पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पर रख दिया, लेकिन फिर वो वहाँ से हटे नहीं, तो इसलिए राजा राम राजा सरकार यहीं पर स्थापित हो गए और अब उनकी यही पूजा यहीं पर की जाती है। तब से जो राजा थे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि यहाँ के राजा हम नहीं हैं, यहाँ के राजा आप हों, तभी से यहाँ सलामी दी जाती है डेली राम राजा सरकार को, डेली संतरे सलामी देते हैं। और इस जो मंदिर है, ये चतुर्भुज मंदिर है, इसमें श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। भाई चलते हैं चतुर्भुज मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भाई एक महल भी है, उसका ये टकसाल भवन था, यहाँ पर जो मुद्राएं होती थी राजा की वो छापी जाती थी। और ये भाई महल जिसमें अपन को जाना है, ये मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, यहाँ पर इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम यहाँ पर भाई लिखा हुआ है, इस मंदिर का निर्माण महाराज मधुकर साय ने 1554 में महारानी गणेश कुंवर के आराध्य देव राजा राम की स्थापना हेतु करवाया था, लेकिन बुंदेलखंड पर मुगल आक्रमण हुए, उसके बाद राजकुमार होरल देव की मृत्यु हो गई, इसलिए पूर्ण नहीं हो पाया इसका निर्माण। तो वहाँ पर रानी ने अपने ही महल में रामराज सरकार को स्थापित कर दिया था, और फिर इसका निर्माण महाराज वीर सिंह ने शासन काल में पूर्ण हुआ। चलते हैं ऊपर, आपको दर्शन कराते हैं अगर अंडर अलाउ हुआ दर्शन। अभी हम आए हैं इस मंदिर पे, और जो आपको जस्ट सामने दिख रहा है वो छा फोर्ट, अभी वहाँ चलना है विजिट करने के लिए। भाई सबसे पहले यहाँ विजिट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे और छा फोर्ट। चलते हैं भाई, करते हैं एंटर इसमें। भाई बढ़िया ज़बरदस्त मंदिर बना हुआ है, ये देखिए भाई पुराने पुराने गेट, कितने मोटे मोटे गेट हैं, ये लकड़ी के हैं और पूरा लाल पत्थर का बना हुआ है, ये देखो पत्थर है ये। हाँ, और यहाँ पर शायद ईंट का भी यूज हुआ है, पत्थर भी है ईंट भी है। भाई बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, ये देखो भाई ये क्या है यार, बस क्या है ना थोड़ी देख रेख नहीं होती है ना, ये देखो काला पड़ चुका है, जाले लगे हुए हैं, जब साफ सफाई होती रहे तो दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए भाई इन पत्थरों पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे और ये है कुछ इस टाइप से मंदिर भाई। अब भाई चलते हैं इसमें ऊपर, कहा जाता है कि ये भूल भुलैया है। चलते हैं भाई, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं यार, यहाँ से भाई जा रहे हैं। ये भाई देखिए, ये आ चुके हैं हम ऊपर साइड। ओ भाई ये ऊपर से कुछ इस टाइप का बना हुआ है। चंदन हो गए क्या? ओ भाई ये है भाई, ये भाई देखिए ऊपर, बहुत जबरदस्त हवा लग रही है यार, कसम से यार बड़ी जबरदस्त हवा है भाई। यहाँ पर भी यार ये गंदगी फैलाने वाले लोग यार, क्या है यार लोगों को, यहाँ से देख कितनी जबरदस्त हवा आ रही भाई, ये निगरानी के लिए तो बनाया नहीं होगा यार, यहाँ से क्या दिखेगा यार, यहाँ से अगर नीचे साइड होता ये मतलब डाउन में होता तो देखने लायक होता, ये केवल हवा के लिए होगा भाई, बहुत जबरदस्त हवा आ रही है यहाँ से। यहाँ पर भी देखिए यार कुछ आते हैं बेवकूफ लोग, नाम लिख के चले जाते हैं यार। यहाँ पर चलते हैं, जैसे भूल भुलैया पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ, कुछ भूल भुलैया जैसा है तो नहीं। ये भाई ये हैं नज़ारे यहाँ के, ये हैं भाई वो सीढ़ियाँ जिनसे हम लोग आए थे, और ये दिख रहा है सामने वो छा का फोर्ट, कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई,
ये देखिए पूरी ओरछा, ओरछा दिख रही है भाई, दूसरी अयोध्या जिसे बोलते हैं। अब भाई और ऊपर चलना है यहाँ पे, जबरदस्त भाई सीढ़ियां हैं, जबरदस्त ऊंची हैं यार। ये भाई यहाँ कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये भाई ये और भी ऊपर है। अब भाई और टॉप पे चलते हैं। चंदन भाई तो डर गए। ये भाई और टॉप पे आ गए हैं। हाँ यार यहाँ लगता है कि यहाँ भूल भुलैया हो सकती है। ये भाई देखिए यहाँ से नजारे, यहाँ से दिख रहा है भाई क्लियर बिल्कुल ओरछा फोर्ट। ये देखो यार कैसे पुरानी इमारतों बर्बाद करते हैं लोग। और यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं भाई, कितनी सीढ़ियाँ हैं यार। मुझे लगता है जिन सीढ़ियों से आए हैं उनसे तो वापस लौट ही नहीं पाएंगे, इसीलिए से भूल भुलैया बोला जाता है। ये भाई ये चंदन कहाँ निकल गया, ये देखिए क्या नज़ारे हैं इसके अंदर के भाई। यहाँ पर भी ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ पर कहाँ आ गए यार, ये हम लोग किस जगह पे आ गए, हम लोग क्या हम ही अकेले हैं यार, और तो कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। ये भाई किस जगह पे आ गए, सच में भूल गए भाई, मैं भूल गया हूँ भाई। ये है भाई टॉप, देखिए कितने ज्यादा चमगादड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें तो, वो सामने चमगादड़ ही तो दिख रहे हैं। करिए करिए हाँ, ये हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं भाई। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल टॉप पे हैं मंदिर के, ये देखो भाई है ना एकदम टॉप पे। अब यहाँ से चारों साइड का नज़ारे देखते हैं सबसे पहले, कहाँ क्या दिख रहा है। ये तो ओरछा फोर्ट हो गया, और नदी कहाँ गई यार, नदी गायब हो गई यहाँ से तो भाई, नदी कहाँ गई, नदी नहीं दिख रही यार। हाँ शायद वो सामने दिख रही है नदी, वो है शायद सामने नदी। और ऊपर चलते हैं भाई, बिल्कुल टॉप पे पहुंचेंगे भैया ने पाद दिया भाई, यहाँ पर लग रहा है डर पहुंचने में भाई। तो दोस्तों ही देखो जीना कितना ऊंचा ऊंचा बना। ये भाई देखिए बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं, राजा बहुत लंबा होत रहे, अब तो मनाई 5 फुट रह जा। ये देखिए भाई टॉप, कोई यहाँ पर यार कुछ कहने ना लगे यार। ये भाई देखिए नज़ारे चारों साइड के, चारों साइड के तो नहीं तीन साइड के दिख रहे हैं। ये देखिए भाई मंदिर की टॉप पे हैं हम लोग। और भाई ये देखिए दिख रहा है राम राजा सरकार मंदिर, दर्शन कीजिए ऊपर से। भाई पसीने में गीले हैं, यहाँ पे जो हवा लग रही है बिल्कुल ठंड लग रही है यार, सर्दी लगने लगी यहाँ पे, सच में बहुत यार बहुत हवा लग रही है यार, पसीने में गीले थे हम लोग, सर्दी लग रही है यार, क्यों सर्दी लग रही है भाई। यहाँ पर है बहुत अंधेरा, अब यहाँ चलते हैं अंदर। ये देखिए भाई इसीलिए से भूल भुलैया बोला जाता है, जिस सीने से ऊपर आओ उससे नीचे नहीं जा सकते हो। ये देखिए भाई ये भाई ये देखो यार। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अंधेरा है, टॉर्च जलाकर काम करना पड़ रहा है, तुम मैं डरपा मत यार। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ये देखिए भाई क्या नजारे हैं यहाँ से। ओ भाई भाई आपने दोस्तों भाई आपने कभी जोकर देखा है, सर्कस गए हो, ये देखिए सामने जोकर,
ये सबसे बड़ा जोकर मेरे साथ घूम रहा है, ये मेरे वीडियो ही चलाने दे रहा है यार, ये मेरे को जो ब्लॉग ही नहीं बनाने दे रहे हैं, जो कि मेरे से दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। भूल भुलैया में भूल जाएंगे तो इन्हें कौन ढूंढेगा, जो कि अब भाई नीचे जाने का रास्ता देख रहे हैं कहाँ से जाना है, वही तो दिख जाए भाई, अब सीढ़ियाँ ही दिख रही कहाँ गई यार, देंगे सीढ़ियाँ कहेंगे, ओ भाई कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, अम्मा इधर आओ यार, क्यों जिससे बनाए उसी जिस सीढ़ी से आए थे उसी सीढ़ी से नीचे जाना चाह रहे हैं, देखते हैं भाई उस सीढ़ी से नीचे पहुँचते हैं नहीं, फिर ये भूल भुलैया कैसे है, इसका नाम मैं भूल भुलैया क्यों, भाई झुक के चलना पड़ रहा है, कमर में दर्द होने लगा है, कहाँ ले जा रहे हो यार, कहाँ पहुंचा रहे हैं भाई, कहाँ पहुंच गए यार आप भाई उस रास्ते में नहीं पहुंचोगे भैया, मैं आपको ऐसे डरता हूँ, टटक पटक पा गया, अब फिर डर गया, फिर पहले भी डर गया था, आपकी गंद गया मैं अंदर ही अंदर, उस रास्ते पे नहीं पहुंचोगे भाई ना।